हाजरी निगरानी बैठे शोरा इकराम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की बहुत ही अच्छी निजामत फरमा रहे हैं बड़े भाई तारिक उमर साहब डाइस पे जलवा फरोज हैं। बड़े भाई फारूक दिलकश साहब, शहाब नुमानी साहब, आज़ाद साहिल साहब और फुजैल मारूफी साहब और मेरे करम फरमा महफूज जमाली साहब, आइए बिला तमीद व ताखीर चार मिसरे एक कता पेश करता हूँ जो मेरे बड़े भाई शहाब नुमानी को बेहद अजीज है। मतलब पेश करता हूँ आप कलाम का इंतखाब कीजिए। उससे पहले एक ऐलान है कि जिन हजरात का भाई पैसा गुम हुआ हो, मेरे पास एक अच्छी खासी जो है रकम आई है। अगर उनके पास अगर जिनका पैसा है वो बताकर ले जाएं कितना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कितना है, वरना हर कोई कहने लगेगा कि मेरा है। आइए मतलब पेश करता हूँ, बतौर खास समाप्त करें। मतलब बतौर खास समाप्त करें कि काबा नजर में गुंबद खजरा नजर में है। बतौर खास समाप्त करें कि काबा नजर में गुंबद खजरा नजर में है, यानी रसूल पाक का रोजा नजर में है, रसूल पाक का रोजा नजर में है। कि ताली तुझस पे हाजरा पानी की खोज में, अरे मरवा शफा का अभी वो रस्ता नजर नजर में है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत अंदर बहुत खूबसूरत और जिंदाबाद। शुक्रिया। पेश करता हूँ चार से इन बच्चों के सुभान अल्लाह बता रहे खास समात करें। फारूक दिलकश साहब भाई शाहिद अनवर साहब इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, इंसान तो इंसान। ये देखिए पतंगे भी आपके आराम से जी, ये बहुत खतरनाक है। एक बार बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देखिए ये अगली सब में बैठे हैं मेरे बड़े भाई, ये पूरा मुशारा कामयाब अकेले कर सकते हैं। इनके पास वो कुवत है। सही बात। कोपा में कोपागंज के मुशारे में इन्होंने अकेले पूरे मुशारे को कामयाब किया था। चार मिसरे पेश करता हूँ बच्चों के हवाले से। तारिक उमर साहब बतौर खास अल्लाह ने सच मुसलमान बना दे, अल्लाह ने सच मुसलमान बना दे, अपने करम से साहब ईमान बना दे, अपने करम से साहब ईमान बना दे, कि हर एक बुराई से ही रोग मौला। अरे बच्चों को मेरे हाफिज कुरान बना दे, सुभान अल्लाह हाफिज कुरान बना दे। बहुत शुक्रिया। एक मतलब पेश करता हूँ तारिक उमर साहब, बड़ी खूबसूरत समाते हैं। मेरे बड़े भाई जो बैठे खड़े हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जगह लेकर बैठ जाए, काफी जगह खाली है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ बैठ जाए। एक मतलब पेश करता हूँ बतौर खास समात करें। वल्लैल है ज़ुल्फ़ तेरी, वल्लैल है ज़ुल्फ़ तेरी, वशमश है चेहरा तेरा, वशमश है चेहरा तेरा, सुभान
سبحان اللہ بہت شکریہ جناب شاہد انور صاحب بہت شکریہ بھائی یہی بیداری کے ساتھ سنے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ محلہ بہت بیدار ہے میں گزارش کرتا ہوں بھائی آپ کا یہ پروگرام ہے بھائی اسامہ تابی صاحب اگر آپ اسٹیج پہ مزہ آیا بھائی ہمارے ڈپارٹ کے اپنی زمین پہ بیٹھا ہے آ جائے بھائی جی دیکھیے یہ آپ کا علاقہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پورا ہندوستان دیکھے گا کہ کس طریقے سے ادری کے لوگ مشاعرہ سنتے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا قریب آ جائیں جگہ پور کر لیں پیش کرتا ہوں بطور خاص فاروق دل کا ساتھ سنیے گا جی آگے مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی واللیل شمش ہے چہرہ تیرا وہ شمش ہے چہرہ تیرا مذاق ہے آنکھ تیری ہر سمت ہے جلوہ تیرا مرحبا مرحبا ایک نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں طارق عمر صاحب بطور خاص سماعت کریں جی رشاد آخرت کی اور ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے پیش کرتا ہوں فاروق دلکر صاحب محفوظ جمالی صاحب بطور خاص سماعت کریں کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے رب کو منا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے ارے نار دوزخ سے خود کو بچا لو زندگی کا بھروسہ پیش کرتا ہوں بطور خاص آپ سے تھوڑی سی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص سماعت کریں ارشاد کہ چار دن کی ہے لوگوں کیا محرم یہ جوانی بھی فانی ہے سن لو کہ چار دن کی ہے لوگوں یہ جوانی فانی ہے سن لو کہ چار دن کی ہے لوگو یہ جوانی بھی فانی ہے سن لو کہ عاقبت اپنی اچھی بنا لو ارے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے سبحان اللہ اور ایک شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص آپ کی خصوصی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص سماعت کریں کہ پہلے آپ ان لوگوں کو تیار کر لیجیے اس کے بعد جی پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت کریں زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ قبر میں جا کے سونا پڑے گا مفو جمالی صاحب بدر رکھا کہ قبر میں جا کے رونا پڑے گا خاک پر تم کو سونا پڑے گا کہ قبر میں جا کے رونا پڑے گا خاک پر تم کو سونا پڑے گا قبر میں پہلے خود کو سنبھالو ارے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے زندگی کا بھروسہ ایک مطلب پیش کرتا ہوں طارق عمر صاحب بطور خاص آپ کی دعائیں چاہتا ہوں بطور خاص سنیے گا فاروق دل کر صاحب نعت پاک کا مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت کریں کہ آنکھوں میں پیار ہے ارے بول دو سبحان اللہ کہ آنکھوں میں پیار ہے دل بے قرار ہے
दिल सरसार है, और जीना वही और मरना, जीना वही और मरना, चलो चलते हैं शहर मदीना, चलो चलते हैं शहर मदीना, आँखों में प्यार है, दिल बेकरार है, तैबा की वादी से दिल सरशार है। पेश करता हूँ मुतर खास समाज करें आरिफ और हबीबी साहब, मुतर खास समाज करें के भाती है दिल तैबा की सूरत, अरे देखूं जो उसको बदल जाए क्या दीवाने भाई, के भाती है दिल को तैबा की सूरत, देखूं जो उसको चमक जाए किसे मते, खुद से भी करती है उसकी ज़ियारत, अरे खुल्दे परी का है जीना, चलो चलते हैं शहर मदीना, चलो चलते हैं शहर मदीना। बहुत शुक्रिया। देखिए देखिए जिंदा बंदा भाई साहब तो ऐसे ऐसे आप सबसे यही भारी बढ़ रहे हैं, अगर इनको फेल करना है तो और नौजवानों को मिलकर नारा लगाना होगा। पेश करता हूँ फारूक दिलकर साहब, अदरी और खैराबाद मुबारकपुर की सरजमी ऐसी है, हर शख्स के सर पे टोपी रहती है, हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं पढ़ते वक्त, हम लोग हमारी जो है टांगे कांप जाती हैं। हाफिज़ कुरान है उलमाओं के लिए सरजमीन है। पेश करता हूँ हाफिज़ कुरान के हवाले से शहाबुल बानी साहब बतौर खास समाप्त करें कि चलो चलते हैं शहर मदीना के बख्शिश का अपने सामान कर लो, महफूज सीने में कुरान कर लो, महफूज सीने में कुरान कर लो, बख्शिश का अपने सामान कर लो, महफूज सीने में कुरान कर लो, पूरे नूर फिर होगा सीना, चलो चलते हैं शहर मदीना, सुभान अल्लाह, आँखों में प्यार है, दिल बेकरार है, तैबा की वादी से दिल सरशार है। बंद पेश करता हूँ बदर खास नौजवानों को शरीक करता हूँ, थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करें बदर खास समाज करें, चलो चलते हैं शहर मदीना के कहते हैं जिन्ना बशर और फरिश्ते, चलते थे आका मेरे जिस भी रस्ते, चलते थे आका मेरे जिस भी रस्ते, फिर सारे बाजार पूछे महकते, अरे खुशबू थे उनका पसीना, खुशबू थे उनका पसीना, चलो चलते हैं शहर मदीना, चलो चलते हैं शहर मदीना, आँखों में प्यार है, दिल बेकरार है, तैबा की वादी से दिल सरशार है। जाते जाते एक मतला चंद शेर पेश करता हूँ, उधर खास थोड़ी सी बेदारी चाहता हूँ स्टेज से जी, आजाद साहिल साहब थोड़ा सा बेदारी चाहता हूँ, उधर खास समाप्त करें तारिक जी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए नौजवान एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। मतलब पेश करता हूँ, अच्छा लगे दुआएं चाहता हूँ कि चाँद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, चाँद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, तो
तौबा तौबा उन्हें चांद जैसा कहो चांद जैसा बता ना गलत बात है चांद जैसा बता ना गलत बात है। वालदेन के हवाले से बंद पेश करता हूँ बदर खास समाज रे कि चांद जैसा बता ना गलत बात है कि ये नबी ने कहा कि इताअत करो ये नबी ने कहा कि इताअत करो अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो ये नबी ने कहा कि इताअत करो अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है उनके दिल को दुखाना गलत बात है उनके दिल। बहुत शुक्रिया फारूक दिलकर साहब, ऐसा लग रहा है अधरी में सिर्फ 10 की नोट ही छपती है, उससे बड़ा नोट आ ही नहीं रहा है। जी शायद भाई आपकी उसी दुआएं चाहता हूँ, चार मिसरे पेश करता हूँ और देखना चाहता हूँ किस तरीके से आप लोग सुनते हैं। नौजवानों को शरीक करता हूँ मुतरे खास समाज रहे। जी जी पेश करता हूँ मतलब खास समाज करें के रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो मोहतरम की दुआ चाहता हूँ के रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो कि लड़नी है अगर जंग तो ईमान संभालो के बुजुर्ग हो तो लश्कर से निकल जाओ निकल जाओ हमारे निकल जाओ हमारे निकल जाओ हमारे और मर्द मुजाहिद हो तो मैदान संभालो। शुक्रिया और चार मिसरे पेश करता हूँ दोबारा देखिए मेरे भाई का हुक्म है दोबारा पेश करता हूँ मतलब खास समाज करें कि रंग मेरे साले नहीं कुरान संभालो कि लड़नी है अगर जंग तो ईमान संभालो कि बुज़दिल हो तो लश्कर से निकल जाओ निकल जाओ हमारे और मर्द मुजाहिद हो तो मैदान संभालो और मर्द मुजाहिद हो तो मैदान संभालो। कुरान के हवाले से पेश करता हूँ उसके बाद से हमारे तमाम बतौर खास समाज करें। जी इरशाद जी तारिक उमर साहब बतौर खास समाज करें, थोड़ी सी आपकी दुआएं चाहता हूँ बतौर खास समाज करें कि कुरान सब बहुत शुक्रिया। देखिए ये भी एक नया नोट निकला है, ऐसा लग रहा है मोदी जी ने बनाया है। पेश करता हूँ बतौर खास समाज करें कि जालिमों सुन लो कि जालिमों सुन लो जालिमों सुन लो ये कुरान नहीं बदलेगा मेरे सरकार का फरमान नहीं बदलेगा मेरे सरकार का फरमान नहीं बदलेगा कि कोशिश लाख करो हमको बदलने की मगर अरे हम मुसलमान का ईमान नहीं बदलेगा। नारे तकबीर नारे तकबीर